झारखंड का विकास कैसे होगा जब नक्सली सरकार पर हावी हो जाएंगे और विकास कार्यों में लगे कंपनियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुडंड में सड़क निर्माण में लगे 7 वाहनों को नक्सलियों ने फूंक दिया है। कलापहाड़ से कारबार गांव तक बन रहे सड़क में लगे जेसीबी, हाईवा, ट्रैक्टर समेत कई वाहनों को उग्रवादियों ने माचिस लगा दिया है। जानकारी के अनुसार निर्माण कंपनी के मुंशी से उग्रवादियों ने मारपीट भी की है। घटना हुसैनाबाद सीमा क्षेत्र के हरदिया घाटी की है। वही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है कि इसके साथ ही वहां काम कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की गई। पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और छानबीन की जा रही है। पलामू जिले में एक लंबे अरसे के बाद लेवी के लिए हिंसक घटना को अंजाम दिया गया है। माओवादियों ने रोड निर्माण में लगे 7 वाहनों को जला दिया है। घटना बुधवार की देर शाम की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पलामू के हुसैनाबाद और छतरपुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में काला पहाड़ से महुदंड तक रोड का निर्माण किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम छतरपुर और हुसैनाबाद की सीमा पर हरदिया में संदिग्ध लोगों का एक दस्ता मौके पर पहुंचा था। इस दस्ते के लोगों ने मजदूरों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद दस्ते के लोगों ने रोड निर्माण कार्य में लगे वाहनों को जला दिया है। इस दौरान रोड रोलर, हाईवा और जेसीबी को फूंक दिया है। एकदम डल जा रहा हूँ।